Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of English literature. The chapter name is A Ghost Story. इसमें मैंने आपको पढ़ाया था मिस्टर एंड मिसेस हापा के बारे में, जो कि सनीडेल के कॉटेज में रहने आते हैं और वहाँ पर उन्हें एक कॉटेज के बैक साइड पे मिस्टर हापा को एक घोस्ट दिखाई देता है. वो उससे बात करते हैं, फिर उसके बाद उसको घर पर इनवाइट करते हैं कॉफ़ी के लिए. मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, एंग्शियसली तक, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कल. फिर मिस्टर हापर अपने घर आते, अपनी वाइफ को बताते हैं कि उनको एक घोस्ट मिला था. उसके बाद देखिए क्या होता है. वेल माई डियर, इट्स गॉट टू बी द रिच अदर देन बिकॉज इट वॉज अ घोस्ट, रिचर्ड सेड. रिचर्ड यानी मिस्टर हापर. मिस्टर हापर अपनी वाइफ से कहते हैं कि वेल माई डियर, इट्स गॉट टू बी द अदर देन इट वॉज अ घोस्ट. वो सेकेंड वन पर्सन था, यानी कि वो घोस्ट था. मतलब वो पहले कह रहा था या तो वो घोस्ट है या तो पर्सन है, तो उसने कहा कि नहीं, वो सेकेंड वाले, यानी कि वो एक घोस्ट था. नाउ रिचर्ड, हैव यू बीन ड्रिंकिंग एट अ पब? शी स्कोल्डेड हिम. स्कोल्डेड मीन्स होता है डांटना किसी को. तो पब तो आप सब जानते हैं, पब जहाँ बियर बार को कहते हैं, जहाँ पर लोग ड्रिंक करते हैं. तो उसकी वाइफ रिचर्ड से कहती है कि क्या तुमने पब में जा कर के ड्रिंक की है? नो डियर, ऑनेस्टली आई हैवन्ट बीन ड्रिंकिंग स्पिरिट्स. यहाँ पर स्पिरिट्स की मीन्स है ड्रिंक. स्पिरिट्स मीन्स यहाँ आत्मा नहीं है, यहाँ पर ड्रिंक है, क्योंकि वो वर्ड यूज कर रही है इसकी वाइफ, उसको तो अभी पता भी नहीं है. नो डियर, ऑनेस्टली आई हैवन्ट बीन ड्रिंकिंग स्पिरिट्स. आई हैव बीन सीइंग देम. इट्स द घोस्ट ऑफ सनी डेल. उसने क्या कहा, उसके हस्बैंड ने, मिस्टर रिचर्ड ने कहा कि नहीं नहीं ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है. स्पिरिट्स, ड्रिंकिंग स्पिरिट्स यानी कि मैंने कोई ड्रिंक नहीं की. आई हैव बीन सीइंग देम. इट्स द घोस्ट ऑफ सनी डेल. मैंने उसे देखा था, वो एक घोस्ट था, एक भूत था सनी डेल का. सनी डेल कॉटेज का नाम है. विलियम्स इज हिज नेम एंड आई हैव इन्वाइटेड हिम बैक फॉर कॉफ़ी. और उसने क्या बताया अपनी वाइफ को, कि उसका नाम विलियम्स है और मैंने उसको कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया है. यू वॉट एम आई हियरिंग यू राइट? आई थिंक आई हैड बेटर सेंड फॉर द डॉक्टर. यू सीम टू हैव लॉस्ट योर माइंड. उसकी वाइफ ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है. उसने वाइफ ने क्या कहा, यू वॉट एम आई हियरिंग यू राइट? क्या मैं तुम्हें सही सुन रही हूँ? आई थिंक आई हैड बेटर सेंड फॉर द डॉक्टर. यू सीम टू हैव लॉस्ट योर माइंड. ऐसा लग रहा है कि तुमने अपना दिमाग खो दिया, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा. नो नो, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, रिप्लाइड मिस्टर हापर. मिस्टर हापर ने कहा क्या कहा कि नहीं नहीं मैं एकदम ठीक हूँ. अ सडन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग मेड द लाइट्स डिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एट द टाइम. फिर क्या होता है, अ सडन फ्लैश. फ्लैश मीन्स जैसे कि अचानक से एक लाइट आती है उन लोगों के सामने और कुछ सेकेंड के लिए सब डिम हो जाता है, सिर्फ वो लाइट दिखाई देती है. एट द सेम टाइम द गस्ट ऑफ विंड डाउन द चिमनी सेंट स्मोक इन टू द रूम. और क्या होता है, चिमनी जो हमारे घर में ऊपर धुआं वगैरह निकालने के लिए जो चिमनी बनाई जाती है, उसमें से एक हवा की तरह एक धुआं आता है और रूम में आकर के समा जाता है. व्हेन द स्मोक क्लियर, जैसे ही धुआं वहां पर साफ हो जाता है, विलियम्स वॉज स्टैंडिंग नियर द फायर प्लेस. विलियम वहां पर फायर प्लेस के पास दिखाई देता है खड़ा हुआ. मैरी नियरली फेल ओवर बैकवर्ड्स एज दिस घोस्टली फिगर अपीयर्ड. फेल ओवर बैकवर्ड मीन्स होता है अपसेट हो जाना, डर जाना, घबरा जाना. तो वो घबरा करके क्या कहती है कि मैरी नियरली फेल ओवर बैकवर्ड्स एज दिस घोस्टली फिगर अपीयर. जैसे ही भूत सामने दिखाई देता है, मैरी एकदम घबरा जाती है. आई एम विलियम्स, हेनरी विलियम्स, द घोस्ट ऑफ सनी डेल आई अपीयर. उसने क्या कहा कि मैं विलियम हूँ, हेनरी विलियम मेरा नाम है और मैं सनी डेल का घोस्ट हूँ. जस्ट अ मिनट, सेड रिचर्ड, वी आर नॉट गोइंग थ्रू दैट अगेन. और रिचर्ड क्या कहता है कि एक सेकेंड रुकिए, हम ये सब चीज़ें अभी दो मिनट बाद बात करेंगे. मतलब क्यों वो ये कहता है वी आर नॉट गोइंग टू दैट अगेन,
हम ये कन्वर्सेशन अभी 2 मिनट रुक के करते हैं, अभी इस बात को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ अचानक सडनली सब देख करके घबरा जाती है और वो उसको देख करके घबरा जाता है। एज मैरी गॉट हर सेल्फ टुगेदर शी सेड टू रिचर्ड, और फिर जैसे ही मैरी अपने आप को संभाल लेती है, थोड़ा सा काम डाउन, गॉट हर सेल्फ टुगेदर मीन्स होता है काम डाउन, जब वो काम डाउन हो जाती है तो वो रिचर्ड से क्या कहती है, दिस कॉटेज इज गोइंग अप फॉर सेल फर्स्ट थिंग टुमारो मॉर्निंग। और उसने क्या कहा कि इस कॉटेज को मैं कल के कल मॉर्निंग में बेच दूंगी। बट डियर वी हैव ओनली जस्ट मूव्ड इन, क्राइड रिचर्ड इन डिप्रेशन। रिचर्ड ने डिप्रेशन में आकर के क्या कहा कि अरे मैं तो, हम लोग तो अभी कुछ ही समय हुआ है यहाँ आकर के शिफ्ट हुए हैं। आई डोंट केयर, आई कुडंट शेयर माई लाइफ विद अ घोस्ट, रिप्लाइड मिस मैरी एंग्रीली। और मैरी ने गुस्से में आकर के कहा कि आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है कि हम कब आए हैं, कब आकर के सेटल हुए हैं, मैं अपनी लाइफ को एक भूत के साथ शेयर नहीं कर सकती। विलियम आंसर्ड हम्बली, ट्राइंग टू कन्विंस हर, बट आई एम वेरी फ्रेंडली एंड हाउस ट्रेन एंड आई ओनली अपियर वंस अ मंथ। उसने क्या बताया विलियम्स ने, हम्बली, हम्बली मीन्स सॉफ्टली, विनम्रता से उसने बोला कि ट्राइंग टू कन्विंस हर, उसको कन्विंस करना चाह रहा था कि कहीं ये घर छोड़ के भाग ना जाए। आई एम वेरी फ्रेंडली, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, हाउस ट्रेंड हूँ, हाउस ट्रेंड हूँ मीन्स क्योंकि मैं घर में, घर घर में आता जाता हूँ। एंड आई ओनली अपियर वंस अ मंथ, और मैं 1 महीने में सिर्फ एक ही बार आऊँगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे से मैं मंडे को जो ये पैरा पढ़ा करके आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस करवा दूंगी। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, टिल देन गुड।